very good morning dear students and welcome to the class of mathematics today we are going to solve some uh, word problems of linear equations in one variable in the previous video we have solved the linear equations in one variable so let us start the word problems the first word problem is when four consecutive integers are added the sum is 46 so I need to take first four consecutive integers consecutive integers means the number next is next So

तो so, उसका नेक्स्ट कितना होगा एक्स प्लस वन देन नेक्स्ट लीजिए एक्स प्लस टू देन नेक्स्ट लीजिए एक्स प्लस थ्री इन सभी को ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है तो आंसर इज फोर्टी सिक्स अब लाइक टर्म्स दैट इज एक्स सभी एक्स को ऐड कीजिए वो फोर एक्स कॉन्स्टेंट टर्म्स प्लस सिक्स इज फोर्टी सिक्स फोर एक्स टू फोर्टी सिक्स माइनस सिक्स इज फोर्टी सो द एक्स इज टेन सो आई नीड टू फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऑल्सो द फर्स्ट फर्स्ट इंटीजर इज टेन द नेक्स्ट कॉन्जिक इंटीजर इज टेन प्लस वन इज इलेवन देन ट्वेल्व देन थर्टीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पॉजिटिव नंबर इज़ सेवन टाइम्स द अदर नंबर टाइम्स मीन्स होता है मल्टीप्लाई सो द फर्स्ट नंबर इज़ एक्स सो द सेकेंड नंबर इज़ सेवन एक्स सो सेवन एक्स अब क्वेश्चन क्या कहता है वेन फिफ्टीन इज एडिड टू बोथ द नंबर्स सो इट बिकम्स फर्स्ट नंबर बिकम्स एक्स प्लस फिफ्टीन सेकेंड बिकम्स सेवन एक्स प्लस फिफ्टीन सो वन ऑफ द नंबर सो मैंने लिया सेवन एक्स प्लस फिफ्टीन इज़ फाइव बाई टू टाइम्स टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर एक अल्जबरी एक्सप्रेशन है तो इसलिए हम ब्रेकेट इंट्रो यूज़ करेंगे तो फाइव बाई टू विदिन ब्रेकेट एक्स प्लस फिफ्टीन अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे टू को हम क्रॉस uh, मल्टीप्लीकेशन से ऊपर लेके जाएंगे बिकम्स मल्टीप्लाई टू द होल ब्रेकेट सेवन एक्स प्लस फिफ्टीन वेन ओपनस इट द आंसर इज़ फोर्टीन एक्स प्लस थर्टी सो वी हैव फाइव एक्स प्लस सेवेंटी फाइव सो हम एक्स वाली टर्म्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स को सेपरेट आउट करेंगे थर्टी जब दूसरी तरफ आएगा वो माइनस थर्टी हो जाएगा और फाइव एक्स तब दूसरी तरफ आएगा माइनस फाइव एक्स हो जाएगा सो द आंसर इज नाइन एक्स इजिकल्स टू फोर्टी फाइव सो द एक्स इज फोर्टी फाइव सो जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो होगा एक्स एंड सेकेंड नंबर इज सेवन एक्स दैट इज सेवन इंटू फाइव इज थर्टी फाइव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड इंटीजर्स सबसे पहले हम कॉन्जिकटिव ऑर्ड इंटीजर्स देखते हैं कैसे होते हैं जैसे थ्री फाइव सेवन नाइन सो अगर मैंने फर्स्ट अपना जो ऑड इंटीजर है वो एक्स लिया है तो नेक्स्ट इंटीजर मुझे प्लस टू करके मिलेगा दैट इज़ अगर मैंने फर्स्ट ऑर्ड इंटीजर को एक्स माना है तो मेरे पास जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड इंटीजर जो है वो मेरे पास आएगा एक्स प्लस टू हम अपनी कंडीशन लगाते हैं सच दैट सच दैट मीन्स ऐसा है कि टू फिफ्थ सो टू बाई फाइव ऑफ द स्मॉलर विच वन इज द स्मॉल टू इज द ग्रेटर वन सो जो आपका स्मॉलर है दैट इज़ टू फिफ्थ ऑफ स्मॉलर सो टू बाई फाइव ऑफ स्मॉलर दैट इज एक्स एक्सीड्स मीन ज्यादा है बड़ा है तो मैंने माइनस किया टू नाइन्थ ऑफ द ग्रेटर दैट इज एक्स प्लस वन बाई फोर दैट इज इक्वल्स टू फोर सो आई हैव मल्टीप्लाइड द होल इक्वेशन बाई फोर्टी फाइव ये मैं आपको पिछली वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ हम पूरी इक्वेशन को फाइव और नाइन का जो एल्सियम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने पर द इक्वेशन रिड्यूज टू एटीन एक्स माइनस टेन विद इन ब्रैकेट एक्सप्रस टू इज वन एटी सो आई हैव एटीन एक्स इज माइनस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू वन एटी हमने एक्स वाले टर्म्स को सॉल्व किया एट एक्स ट्वेंटी माइनस का जब उस तरफ जाएगा तो वो बनेगा प्लस ट्वेंटी वी हैव टू हंड्रेड सो एक्स इज ट्वेंटी फाइव तो फर्स्ट ऑन एंडर मेरे पास आ गया ट्वेंटी फाइव एंड द सेकेंड ऑन एंडीजर इज ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट करते हैं द डोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन टाइस इट्स न्यूमिरीटर जो लास्ट में आपके पास वर्ड आया है वो है न्यूमरेटर सो मैंने न्यूमिरेटर को एक्स लिया अब अपनी कंडीशन को देखते हैं डिनमिनेटर इज इज मीन्स इक्वल्स टू वन तो मैंने वन लिखा मोर देन प्लस ट्वाइस टू मल्टीप्लाई न्यूमिरीटर एक्स मिल गया मुझे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर सो इट बिकम्स एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स आके करते हैं इसके सो वेन फाइव इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स थ्री पॉय फाइव एक्स प्लस फाइव एज इट इज रहेगा टू एक्स प्लस वन प्लस फाइव बन जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं फाइव एक्स प्लस फाइव के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई हो बनेगा फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड ब्रैकेट मेरी uh, जब ओपन होगी इट बिकम सिक्स एक्स प्लस एटीन एक्स वाले टर्म्स को अलग करेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग करेंगे आई गॉट एक्स इज सेवन अब हम अपना फ्रैक्शन निकालते हैं एक्स सेवन वन प्लस टू एक्स दैट इज़ वन प्लस टू इंटू सेवन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन सो द फ्रैक्शन इज सेवन अपॉन फिफ्टीन

वट नंबर शुड बी एडिड टू क्या नंबर ऐड करें हम तो हम लगे लेट एक्स भी एडेड टू किस में ट्वेल्व ट्वेंटी टू फॉर्टी टू एंड सेवेंटी टू सो दैट तो मैंने सब में एड किया ट्वेल्व प्लस एक्स ट्वेंटी टू प्लस एक्स फोर्टी टू प्लस एक्स सेवेंटी टू प्लस एक्स सच दैट ये सारे प्रपोर्शन में हो जाएँ रेशियो के लिए हम सिर्फ दो डॉट्स दिखाते हैं प्रपोर्शन के लिए हमें फोर डॉट्स दिखानी होती है तो मैंने इनको प्रपोर्शन में दिखाया बिकॉज इट इज गिवन इन द इन द इक्वेशन सो आगे करते हैं इसके Uh, मैंने इसमें आप इसमें हम इसमें जो लगाएंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है रेशियो को अपॉन लिया और जो प्रोपोर्शन का साइन है वो इक्वल टू करके मैंने इनको सॉल्व आउट किया अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी वन ब्रैकेट को अनदर ब्रैकेट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ मैंने कैसे किया है ट्वेल्व इंटू कम्प्लीट ब्रैकेट सेवेंटी टू प्लस एक्स प्लस एक्स कम्प्लीट ब्रैकेट सेवेंटी टू प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स एट सिक्सटी फोर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस सेवेंटी टू प्लस एक्सक्र सेकंड वाली जो आपकी राइट एंड साइड है वो भी ऐसे ही होगी फॉर्टी टू इंटू ट्वेंटी टू प्लस एक्स प्लस एक्स ट्वेंटी टू प्लस एक्स तो विदिन ब्रेकेट है यह सारा अब हम ओपन करेंगे जब ब्रेकेट को इट बिकम्स वाइन ट्वेंटी फोर प्लस फॉर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर

सो so, हमने एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म्स को सेपरेट आउट किया और कॉन्सटेंट टर्म्स को अलग किया एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स क्योंकि इन पर डिफरेंट साइन है और ये सेम टर्म्स हैं तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास थ्री सो so, ये नंबर है जो मुझे ऐड करना था उन नंबर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाई थ्री तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जब भी आपके पास किसी भी जो चीज़ों का डिफरेंस दिया होता है तो अगर आप फर्स्ट नंबर को एक्स मानते हैं तो आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो आता है जितना भी डिफरेंस होता है आप उस उसमें अपने फर्स्ट नंबर को ऐड कर लीजिए तो लाइक द वंस डिजिट क्योंकि इसमें दो डिजिट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम वंस एंड टेंस लेंगे तो वंस डिजिट इज़ एक्स एंड द टेंस डिजिट इज एक्स प्लस थ्री सो आई हैव द ओरिजिनल नंबर मेरा कैसे बन जाएगा हम अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म लगाते हैं दैट इज वंस डिजिट को वन से मल्टीप्लाई किया एक्स को वन से बिच मी प्लस का साइन एंड टेंस डिजिट को हमने टेन से मल्टीप्लाई किया है ध्यान देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंपल नहीं किया मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई दैट मीन्स कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे टेन से ओपन किया ब्रैकेट को टेन एक्स प्लस थर्टी प्लस एक्स दिस इज इलेवन एक्स प्लस थर्टी सो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स अब हम टेंस वंस डिजिट को एक्स प्लस थ्री ले लेंगे और टेंस डिजिट को एक्स ले लेंगे अब हम अपना नंबर निकालेंगे जो मेरे पास आए इलेवन एक्स प्लस थ्री जब मैंने लगाई कंडीशन मेरे पास थी कि अब अपनी ओरिजिनल नंबर और नंबर ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स को जब ऐड करते हैं तो उनका सम 143 आता है वो मैंने लिखा तो यहां पर मैं x वाले टर्म्स दैट इज 11x 11x वो जाएगा 22x टू एक्स एंड थर्टी प्लस थ्री थर्टी थ्री इज इक्वल्स टू वन फोर्टी थ्री हो जाएगा मेरे पास ट्वेंटी टू एक्स इज इक्वल्स टू वन फोर्टी थ्री माइनस थर्टी थ्री उस साइड आएगी कॉन्स्टेंट टर्म तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई फाइव सो मेरा ऑरिजिनल नंबर कितना था इलेवन एक्स प्लस थर्टी दैट इज इलेवन इंटू फाइव प्लस थर्टी सो फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी इज़ एट्टी फाइव तो जो आपके पास पॉसिबल नंबर्स बनते हैं वो आपका एट्टी फाइव भी हो सकता है और फिफ्टी एट भी हो सकता है क्योंकि आप किसी को भी वंस और किसी को भी टेंस मान सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरा एक एज वाला क्वेश्चन है द एजेस ऑफ सोना द एजेस ऑफ सोना इन सोनाली आर इन द रेशियो फाइव थ्री सो so, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास एक रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे एजेस हैं और जब भी हम ऐजेस की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रेजेंट एजेस सो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट एज सोना के लिए है पहले सोना लिखा है एंड देन सोनाली सो पहले फाइव एंड देन थ्री तो फाइव एक्स एंड थ्री एक्स ईयर्स इनकी रे एजेस uh, हो गई प्रेजेंट एज फाइव ईयर्स हेंस िल विल एक जो है मेरा फ्यूचर टेंस है सो so, मैं यहाँ पे आगे एज को हम आगे बढ़ाते हैं तो सोना की एज जो है दैट विल बिकम्स फाइव एक्स प्लस फाइव एंड सोनाली की जो एज है आफ्टर फाइव ईयर्स इट बिकम्स थ्री एक्स प्लस फाइव सो अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं द रेशो ऑफ़ देर एजेस यहाँ पे जो बात कर रही हैं आफ्टर फाइव की बात कर रहे हैं आफ्टर फाइव ईयर्स की हम बात कर रहे हैं सो फाइव एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री एक्स प्लस फाइव रेशो ले लिया हमने इट द रेशो विल बी टेन बाई सेवन तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सेवन को फाइव एक्स प्लस फाइव पूरी कंप्लीट ब्रैकेट से एंड टेन को थ्री एक्स प्लस फाइव कंप्लीट ब्रैकेट से अब इट बिकम्स थर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस थर्टी फाइव इजिकल्स टू थर्टी एक्स प्लस फिफ्टी हम इसको ओपन करेंगे तो कॉन्सटेंट टर्म्स अलग एंड एक्स वाले टर्म्स अलग सो आई कॉट एक्सिस थ्री सो मेरे पास एक्स अगर आ गया है तो so, हम आगे करते हैं सो so, सोना की एज जो है वह आ जाएगी मेरे पास फिफ्टी ईयर्स क्योंकि वो फाइव एक्स थी दैट इज फाइव इंटू थ्री ईयर्स और सोनाली की एज थ्री एक्स थी दैट इज थ्री To 3 is 9 years. Next question: An employee works in a company on a contract of 30 days. वो एक थर्टी डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है इन कंडीशन उसकी कंडीशन क्या है उसे टू हंड्रेड रुपीज़ मिलते हैं जिस दिन वो जाएगा जिस दिन वो प्रेजेंट होगा एंड ट्वेंटी रुपी फ़ाइन लगेगा मीन्स उसके कट होंगे फ़ाइन मीन्स कट होंगे माइनस होगा आप इंटीजियर फॉर्म समझिए पहले जब अगर वो नहीं जाता है सो वेन ही इज़ एबसेंट सो उसे एक फ़ाइन लगेगा ट्वेंटी रुपीज़ का सो so अब हम करते हैं आगे तो अगर लेट अस सपोज़ तो मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना सो so, ओवरऑल uh, वो थ्री एट डबल ज़ीरो जो है इतने रुपीज़ जो है वो अर्न करता है तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ से स्टार्ट करती हूँ तो वर्कर जो है मान लीजिए जितने डेज वो प्रेजेंट है वो आपके पास है एक्स सो नंबर ऑफ़ डेज़ जितने वो एब्स टोटल डेज अगर थर्टी डे उसमें से अगर वो एक्स डेज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली थर्टी माइनस एक्स डेज़ वो एबसेंट होगा सो मैंने यहाँ पे देखिए साइड में ब्रैकेट में लिखा है रुपये टू हंड्रेड उसे मिलेंगे जब वो डेज जाएगा तो टोटल उसको कितने बनेंगे टू हंड्रेड एक्स अब ट्वेंटी रुपीज़ फ़ाइन है ऑन थर्टी माइनस एक्सटी इस पर तो आप मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ट्वेंटी को थर्टी माइनस एक्स तो यहाँ मेरी जो कंडीशन है दैट मीन्स जब उसको पैसे मिल रहे हैं जब उसको रुपयी मिल रहा है तो हमने मल्टीप्लाई किया जब उसको फाइन लग रहा है तो वो माइनस में है लेकिन करेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टेज से तो ही मेरे पास रुपया आएगा तो टोटल तो उसने जितना ऑन किया है वो थ्री एट डबल ज़ीरो तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी दिस इज़ टू हंड्रेड एक्स माइनस ब्रैकेट को पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सिक्स हंड्रेड प्लस ट्वेंटी एक्स इक्वल्स टू ट्री एट डबल जीरो अब हम एक्स वाले टर्म्स को अलग करते हैं तो ट्वेंटी 20 और टू हंड्रेड टू ट्वेंटी हो जाएगा और यहाँ पे मेरी जो कांस्टेंट टर्म्स है दिस इज थ्री एट डबल जीरो प्लस सिक्स हंड्रेड सो आई हैव टू हंड्रेड ट्वेंटी एक्स टू डबल फोर जीरो जीरो सो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी आई नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इज एब्सेंट तो वो मेरे पास थर्टी माइनस एक्स था दैट इज थर्टी माइनस ट्वेंटी दिस इज टेन सो टेन डेज वो एब्सेंट हुआ है thank you so much dear students hope you liked the video thank you